20,000 का बजट ना एक परफेक्ट स्पॉट है फोन खरीदने को। इस प्राइस रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस वाला बैलेंस्ड स्मार्टफोन मिल जाएगा, जिसमें आपको एक अच्छा कैमरा, अच्छा परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर, एक लॉन्ग लाइफ वाली बैटरी और ओवरऑल एक मतलब बैलेंस्ड स्मार्टफोन मिल जाएगा इस प्राइस रेंज में। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है ना कि इस प्राइस ब्रैकेट में इतने नए फोन्स आते हैं हर रोज कि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ले तो ले कौन सा स्मार्टफोन। तो इसी कन्फ्यूजन को आपके दूर करते हुए ना मैं आज का ये वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट स्मार्टफोन्स जो कि 20,000 रुपीस के बजट में अवेलेबल है इन सितंबर 2022। तो अगर आप अपने लिए स्मार्टफोन ढूंढ रहे 20,000 के अंदर और आप भी कन्फ्यूज हैं, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए स्मार्टफोन जरूर डिसाइड कर लोगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो के साथ बने रहे और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, मैं आपके लिए ऐसी काम की वीडियोज लेकर आती रहता हूँ। तो चलिए चलते मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर, शुरू करते हैं हमारी लिस्ट को। चलिए शुरू करते हैं हमारे लिस्ट को और जो हमारे लिस्ट का नंबर 5th स्मार्टफोन है वो है Realme Narzo 55G। इस लिस्ट में मैंने जितने भी स्मार्टफोन ऐड किए हैं सारे के सारे 5G होने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्द हम 5G यूज करने वाले हैं और लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में, इसलिए मैंने 4G वालों को ऐड नहीं किया है। तो इस स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो इसमें आपको एक 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है विद 90Hz ऑफ रिफ्रेश रेट। चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको MediaTek का Dimensity 810 चिपसेट मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर पे रन करता है। काफी पावरफुल इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ 2 कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है जो कि 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट सेंसर है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है विद f2.2 अपर्चर के साथ। तो उतना अच्छा इसका कैमरा नहीं है, लेकिन अगर आपको एक गेम खेलने के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है ये, क्योंकि इसमें आपको MediaTek का Dimensity 810 चिपसेट देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है विद 33W डार्ट चार्ज के साथ। तो काफी अच्छा ये स्मार्टफोन है। और प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं 15,000 रुपीज इसकी प्राइस है। तो पूरी इसकी डिटेल जाननी होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप आकर इसको चेकआउट कर सकते हो। 15,000 रुपीज के बजट में ये अच्छा स्मार्टफोन है। चलते हैं हमारे लिस्ट के अगले स्मार्टफोन के ऊपर। तो जो हमारे लिस्ट का नंबर 4th स्मार्टफोन है वो है मोटोरोला का G71 5G। इस स्मार्टफोन में आपको एक 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि ये 60Hz का डिस्प्ले है। बात करें इसके कैमरा की तो इसमें आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है प्लस 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है विद f2.2 अपर्चर के साथ। बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 33W के फास्ट चार्जिंग यानी इसके टर्बो चार्जिंग के साथ चार्ज होती है। तो प्राइस की इसकी बात करें तो 6GB रैम वाला इसका मॉडल 16,000 रुपीज में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। तो अगर आपका बजट 16,000 है तो आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलिए चलते हैं हमारे लिस्ट के अगले स्मार्टफोन के ऊपर। तो जो हमारे लिस्ट का नंबर 3rd स्मार्टफोन है वो है Vivo T1 5G। इस स्मार्टफोन में आपको 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस 120Hz वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 8 नैनोमीटर पे रन करता है। इस स्मार्टफोन के कैमरे की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल सेटअप वाला कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 50 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट है और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा है इसका जो कि 2.0 अपर्चर के साथ आता है। तो कैमरा क्वालिटी इसकी अच्छी होने वाली है, ऑब्वियसली वीवो है तो कैमरा तो आपको अच्छा देने ही वाला है। प्रोसेसर भी इसका अच्छा खासा है, 695 प्रोसेसर के साथ आता है। और बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी है लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं है, 18W की फास्ट चार्जिंग कहता है वीवो, बट 18W अब फास्ट चार्जिंग नहीं रहेगी, मिनिमम 33W तो हर कंपनी दे रही है। तो 16,000 में ये भी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो 16,000 अगर आपका बजट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आके अगर और डिटेल जाननी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे लिस्ट के अगले स्मार्टफोन के ऊपर। तो जो हमारे लिस्ट का नंबर 2nd स्मार्टफोन है वो है Realme 9 Pro 5G। इस स्मार्टफोन को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने रेकमेंड किया 20,000 के अंडर, लेकिन मैं कहना चाहूंगा मेरे फ्रेंड के पास ये स्मार्टफोन है तो इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है बस। तो अगर आपको कैमरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब मेन कंसर्न है तो कैमरे के लिए अगर आप स्मार्टफोन ले रहे हो ना तो इसको बिल्कुल भी मत टच करना, क्योंकि इसका कैमरा क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली। बात करें इस स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की तो इसमें आपको 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 120Hz वाला डिस्प्ले है। प्रोसेसर भी इसमें आपको वही स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 8 नैनोमीटर पे रन करता है। ये भी 5G स्मार्टफोन है। और बात करें इसके बैटरी की तो इसमें भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 33W फास्ट चार्जिंग के साथ चार्ज होती है। कैमरे की इसकी बात करें तो इसमें भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि 64 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का इसका अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का इसका एक मैक्रो लेंस है। तो लेकिन मुझे कैमरा बता दिया मैंने स्टार्टिंग में कि उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास ये है तो मैंने इसको चेकआउट किया है। 64 मेगापिक्सल इन्होंने दे तो दिया है लेकिन उतना अच्छा कैमरा क्वालिटी इसका नहीं है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है जो कि f2.0 अपर्चर के साथ आता है। तो बेसिकली ये स्मार्टफोन 19,000 रुपीज में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो 20,000 के अंदर। बाकी आप इसका रिव्यू देख सकते हो कैसा इसका रिव्यू है फ्लिपकार्ट के ऊपर। हालांकि मुझे पर्सनली इसका कैमरा पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको 4.0 दिया है कैमरा इसके रेटिंग को, तो हो सकता है मुझे ही बस अच्छा ना लगा हो, आप लोगों को अच्छा लग जाए। तो आप इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलते हैं हमारे लिस्ट के अगले स्मार्टफोन के ऊपर।
तो जो हमारे लिस्ट का नंबर वन स्मार्टफोन है दोस्तों, वो है OnePlus Nord CE 2 Lite 5G। पता नहीं क्यों इतना लंबे नाम रखने लग गए आजकल कंपनी वाले, लेकिन OnePlus की तरफ से आने वाला ये सबसे सस्ता स्मार्टफोन है और 18,999 इसकी प्राइसिंग अभी Amazon के ऊपर, और मुझे लगता है 20,000 के अंडर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है ये। और पता नहीं क्यों, लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स ने अंडर 20,000 बेस्ट स्मार्टफोन्स की वीडियो बनाई है ना, उसमें इस स्मार्टफोन को ऐड ही नहीं किया है। और पता नहीं क्यों उन्होंने क्यों नहीं ऐड किया, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट स्मार्टफोन है 20,000 के अंडर। और एक OnePlus का स्मार्टफोन है तो एक अलग ही मतलब ब्रांडिंग मिल जाती है इसके साथ। तो अगर आपको 20,000 के अंडर स्मार्टफोन परचेस करना है तो इसको आप जरूर चेकआउट जरूर कीजिएगा। बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें आपको 6.59 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है। चिपसेट इसमें आपको वही मिल जाता है जो कि जितने भी सारे स्मार्टफोन्स में मिला है, स्नैपड्रैगन का 695 8 नैनोमीटर्स वाला इसमें भी आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बात करें इसके कैमरे की, तो इसमें आपको 60 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, एक 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा मिलता है और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है विद f2.0 अपर्चर के साथ। और बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है विद 33 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ। इसकी प्राइसिंग अभी 18,999 है अमेज़न के ऊपर, और मेरे हिसाब से तो बेस्ट स्मार्टफोन है। पता नहीं मैंने इसको कितनी बार कह दिया, बट 20,000 के अंदर आपको एक OnePlus का स्मार्टफोन मिल रहा, और क्या चाहिए। तो आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आप अपने लिए एक स्मार्टफोन डिसाइड कर पाए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरे वीडियो में क्या कमी आपको लगती है और मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ आपके कमेंट्स पढ़कर। तो मेक श्योर कि आप कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।